दसहाड़ 24 जून बनिस्बत शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम उल हराम के खास दिन के हवाले से मंसूब हर साल ये दिन मनाया जाता है, जहां पूरे मुल्क में जगह जगह मशरूबात, दूध, पानी की सबीलों और लंगरों नियाज का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह भक्कर की तहसील दरिया खान में भी इस एहतमाम का सिलसिला जारी और सारी रहता है। बिलखसूस डेरा रोड दरिया खान अली शहन शाह गोल्ड समिति वालों की जानिब से भी इस सिलसिले का एहतमाम किया जाता है। अमन, मोहब्बत, भाईचारे, इंसानियत से मोहब्बत और खल्के खुदा के लिए खिदमत का एक बेहतरीन सिलसिला जारी और सारी रहता है। ला इलाह अमर कर गया जो सजदा हुसैन का है, ला इलाह अमर कर गया जो सजदा हुसैन का है, हर दिल में घर कर गया जो सजदा हुसैन का है। बाकी जो बाहर सबील लगी हुई है और लंगर में खुद पकाता हूँ, किसी मजहब से आए हम उसे खाना खिलाते हैं और उनके तवज्जो करते हैं। सही। अल्लाह पाक के प्यारों की राह में जो कुर्बानी दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए, हम खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। सुनो, देखो और बोलो अलबरका उर्दू। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। अलबरका उर्दू की टीम इस टाइम मौजूद है एक ऐसे लंगर खाने में जहाँ पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर ना ही तो सिर्फ लंगर का इंतज़ाम किया गया, नजर व नयाज का इंतज़ाम किया गया, बल्कि एक अच्छे एक बड़े लेवल पर जो है इन्होंने सबील भी लगाई जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब भी मौजूद थे। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया से भी, बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लंगर खाने के लिए जो आए हुए हैं ज़ायरीन कह लें या अकीदतमंद कह लें, तमाम तर लोगों से बात करेंगे और दिखाएँगे आपको अलबरका उर्दू की स्क्रीन से। जी तो लंगर और सबील के बानी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं आखिर इनका जोश और जज्बा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? ज़ुल्फ़िकार अली। सर मुझे ये बताएं कि जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, जिस तरीके से हर बंदा हैंड टू माउथ है, ठीक है, आप मुझे ये बताएँ कि कैसे एक जोश और जज्बा, क्योंकि 10 मुहर्रम को भी ये चीज़ मनाई जाती है, फिर 10 हाड़ को भी आप मना रहे हैं। ये प्रोग्राम जो किया जाता है करबला वालों की याद में और नजर उन्याज का प्रोग्राम जो हम करते हैं वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से, बाकी जो बाहर सबील लगी हुई है और लंगर में खुद पकाता हूँ और मोमिनों को बाकी जो भी किसी मजहब से आए हम उसे खाना खिलाते हैं और उनकी तवज्जो करते हैं। सही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आप बताना चाहेंगे, कैसे मेहनत चल रही है, कैसे आवाम का कोऑपरेट चल रहा है? बेटा ये अल्लाह मियाँ की देन है, ये अल्लाह पाक के प्यारों की राह में जो कुर्बानी दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आज के निस्बत उसी दिन से हम लोग ये नजर व नियाज का प्रोग्राम करते हैं और तमाम जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं इसमें शिरकत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए, हम खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। कुछ आशार हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में। ला इलाह अमर कर गया जो सजदा हुसैन का है, ला इलाह अमर कर गया जो सजदा हुसैन का है, हर दिल में घर कर गया जो सजदा हुसैन का है। वैसे तो गुजरे कई करबल से थे अंबिया, वैसे तो गुजरे कई करबल से थे अंबिया, करबल में घर कर गया जो सजदा हुसैन का है। बहुत शुक्रिया। सुनो, देखो और बोलो अलबरका उर्दू।